हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडिया एंड द यूके एग्री टू कंटिन्यू टू वर्क एट पेस टुवर्ड्स द फ्री ट्रेड पैक्ट। मतलब बहुत तेज़ी से काम करने का सोच रहे हैं दोनों लोग। देख रहे हो कितना इम्पोर्टेंट बात चल रहा है दोनों के बीच में। कर लेते हैं, हाँ हाँ कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, जल्दी करेंगे। अरे तुम बोलो, अभी अभी बैठ जाए G20 छोड़ के, तो यही बात कर रहे हैं ये लोग। रिन्यूइंग प्रोग्रेस ऑन द इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन दी वर्क। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज ब्रिटिश काउंटर पार्ट ऋषि सुनाक एग्री दैट मिनिस्टर एंड नेगोशिएशन टर्म वुड कंटिन्यू टू वर्क एट पेस टुवर्ड्स द एग्रीमेंट इन अ मीटिंग विथ हिज जस्ट अ सेकेंड हाँ इन अ मीटिंग विथ हिज इटालियन काउंटर पार्ट जियोर्जिया मेलोनी। मिस्टर मोदी अप्रिशिएटेड इटली सपोर्ट फॉर इंडिया प्रेसिडेंसी एज इटली ज्वाइनिंग बायोफ्यूल अलायंस एंड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इटली को भी इन्होंने थैंक यू बोल दिया है। वी डिस्कस्ड वे टू डीपन ट्रेड लिंकेजेस एंड बूस्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया एंड यूके विल कीप वर्किंग फॉर अ प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल प्लेनेट, मिस्टर मोदी सेड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले क्या था, फॉर्मली ट्विटर। आफ्टर अ बाइलेटरल मीटिंग विद मिस्टर सुनाक ऑन साइडलाइन ऑफ अ ऑनगोइंग G20 समिट, मिस्टर मोदी ऑल्सो कन्वेड His appreciation for UK support during the India G20 presidency, marked by high-level participation at various G20 meetings and events. Two nations, one emblem, an ambition rooted in our shared values and connection between our people, and of course, our passion for cricket. ये ऋषि सुनाक जी ने बोला है। In return, both leaders also reviewed the progress of free trade agreement negotiation and expressed hope that the Remaining is issue could be addressed as earliest so that the balance mutual beneficial and forward looking free trade agreement is concluded soon. An official statement में ऐसा बोला गया कि भाई जल्दी से जल्दी करो, free trade agreement हमसे रुका नहीं जा रहा है। On the FTA free trade agreement, the UK Prime Minister office said in a statement that Mr. Sunak reiterated the UK's ambition to deliver a landmark trade deal which benefits business and worker in both countries and grow our trade in both goods and services. The statement also said Mr. Sunak congratulated Mr. Modi on India's consummate presidency of the G20 this year, which has demonstrated India's vital global leadership and influence. The leader reflected on the close and growing ties between UK and India, exemplified in living bridge between our people. They also discussed a number of consular issues, it added. तो अपने लिए इस आर्टिकल में क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, हो सकता है मेरी बात किसी को अच्छी ना लगे, खैर एग्जाम पॉइंट से हट के बता रहा हूँ तो जरूरत है। तो ये तो पहली चीज होगी। दूसरी, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, इंडिया के लिए इसके बेनिफिट्स एंड इसके क्या होता है कुछ बैड कॉन्सिक्वेंसेस, या मतलब प्रोज एंड कॉन्स इंडिया के लिए क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इटली, यूके, इंडिया, लोकेशन देखिए। एंड इस आर्टिकल में अपने लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट रहता है। और ऋषि सुनाक जी थैंक यू बोल रहे हैं और कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, मोदी जी थैंक यू बोल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, यही चल रहा है। So thank you guys and please work hard.